क्लास थ्री SST चैप्टर फाइव। पिछले क्लास में एयर के बारे में बताया गया था। अब एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। एयर गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विथ अनवांटेड गैसेज डस्ट etc। हवा दूषित होता है जब हवा में अनचाही वस्तु, गैस, धूल, धुआं, ये सब जब मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है हवा में, तो वह दूषित हो जाता है एंड बिकम्स डर्टी, और वह गंदा हो जाता है। डर्टी फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स काउज एयर पॉल्यूशन। कारखानों से, वाहनों से जो धुएं निकलते हैं, गंदे, उससे गंदगी जो निकलती है वो सभी हवा में मिल जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो मेक द एयर डर्टी। सरे गए अनाज जो है उसे भी हवा दूषित होता है। बर्निंग ड्राई लीव्स एंड गार्बेज ऑल्सो पोल्यूट द एयर। पत्ते को जो जलाया जाता है, गंदगी को जो जलाया जाता है, और जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, उससे भी सड़ने गलने के बाद हवा दूषित होती है। एयर पोल्यूशन काउजेज मेनी एलर्जीज एंड ब्रीथिंग डिजीज। वायु प्रदूषण के कारण बहुत से एलर्जी, यानी जो अनचाहे बीमारी, और सांस जो हम लेते हैं उससे भी बहुत ब्रीथिंग डिजीज होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इट ऑल्सो किल्स ट्रीज एंड मेक्स द वेदर वेरी हॉट। इस पेड़ को समाप्त करना, जिसके कारण बहुत ही मौसम में गर्मी होते जा रहा, गर्म होते जा रहा है। क्लीन एयर पॉल्यूशन इन एयर इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग बींग्स। हवा पॉल्यूशन के कारण हवा भी दूषित है, जिसके कारण सभी सजीव प्राणी के लिए यह हवा हानि पहुंचा रही है। देयर फॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हवा को स्वच्छ रखना। वी शुड डू फॉलोइंग थिंग्स टू कीप द एयर क्लीन। हम लोग हवा को सुरक्षित रखने के लिए, दूषित ना होने दे, स्वच्छ रखने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। द ऑक्सीजन डेट वी ब्रेथ इन कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज। पौधे और पेड़ों से हमें हवा मिलती है जो हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हाइल मेकिंग फूड। पौधे का जो हरी पत्तियां होती है वह उसे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, और उसे भोजन बनाने में भी उसको सहायता मिलती है। जब वो भोजन बनाती है पत्तियां, तो उसे ऑक्सीजन दूसरे को मिलता है। वी शुड कीप ए चेक ऑन स्मोक डेट कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। हम लोगों को समय समय पर जो वाहन से और कारखानों से जो धुआं निकलते रहती है, उसको भी हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रेकर। हमें पटाखों फोड़ने से बचना चाहिए। दे मेक नॉइज अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूटिंग एयर। वे हवा को दूषित, शोरगुल जो होता है उससे भी हवा दूषित होती है। नो अबाउट वाटर। पानी के बारे में जानकारी। वाटर इज कलरलेस। पानी स्वाद रंगहीन है। ही हैज नो स्मेल। उसमें कोई गंध नहीं होता है। एंड इज ए टेस्टलेस लिक्विड। और यह स्वादहीन तरल पदार्थ है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी सजीव वस्तु जो है उन्हें पानी की, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी। जब हम लोग को प्यास महसूस होता है तो हमें, हम लोग पानी पीते हैं।
वी मे लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिना भोजन के बहुत दिनों तक हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम लोग बिना पानी के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर ब्रीथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एंड सेवरल अदर एक्टिविटीज। हम लोगों को पानी की आवश्यकता है स्नान करने के लिए, खाना पकाने, साफ सफाई, धुलाई, पौधों में पानी डालना और भी बहुत से कामों में पानी की आवश्यकता होती है।